फायस अनवर, जिन्होंने पहली फिल्म के लिए गीत लिखे तो वो रुक गई, बनी ही नहीं, और दूसरी फिल्म एक और मिली उसके कुछ गीत लिखे तो वो भी उस वक्त बनी नहीं। लेकिन फिर एक ऐसा गीत लिखा जो महेश भट्ट को इतना पसंद आया कि फायस साहब के लिखे गीत से ही टाइटल लेकर उन्होंने अगली फिल्म को दे दिया। ये कौन सी थी फिल्म और कैसे फायस अनवर ने फिर आगे कई और यादगार गाने लिखे, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। फायस अनवर जो कहते हैं, मुझे कभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इंडस्ट्री में, जब से होश संभाला मानो लिखना ही चाहता था। शुरुआत में एक दोस्त ने शंकर जयकिशन जी से मिलवाया था, उनकी कुछ समय बाद ही एक फिल्म शुरू हुई दिल का मुसाफिर, उसके लिए दो गीत लिखे थे लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई। इसी दौरान ये पंचम दास से मिले, उन्हें बताया कि मैं शायर हूँ, अपनी गजल सुनाई। पंचम दास ने कहा कि एक फिल्म कर रहा हूँ, एक धुन है, गीत लिख पाओगे? फायसा बोले हाँ जरूर, और इन्होंने झट से गीत लिख दिया। तुम करो वादा दिल ना तोड़ोगे, प्यार की खातिर दुनिया छोड़ोगे, और पंचम दा ने सुना तो उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने आनंद बख्शी साहब से बात की, कहा कि एक नया लड़का आया है यूपी से, एक गीत लिखा है उसने और बहुत अच्छा लिखा है, अगर तुम सही समझो तो आधे गाने तुम लिख दो और आधे गाने ये लिख लेगा। बख्शी साहब तब तक हमेशा पूरी एल्बम लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने भी हाँ कर दी। फिल्म थी तुम करो वादा, लेकिन ये फिल्म भी उस वक्त रुक गई, हालांकि ये 1993 में जाकर फिर रिलीज हुई थी। तुम करो वादा दिल ना तोड़ोगे, तुम करो वादा दिल ना तोड़ोगे, प्यार की खातिर दुनिया छोड़ोगे। अब ये रूप कुमार राठौड़ के थ्रू महेश भट्ट से मिले, वो तब आशिकी फिल्म पर काम कर रहे थे, एक धुन बाकी थी जिस पर कई लिरिसिस्ट से लिखवा चुके थे महेश भट्ट, लेकिन उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। अब फायस अनवर को बुलाकर महेश भट्ट ने कहा, काफी समय से तुम मुझे कह रहे हो कि चांस तो दो, ये लो वॉकमैन और कैसेट इसमें डाल दी है और इसमें धुन है, इस धुन पर गाना लिखो, और इन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर भेज दिया। 40 मिनट में इन्होंने गीत लिखा, मुखड़ा और दो अंतरे, और वो गीत था दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। और महेश भट्ट साहब ने नदीम श्रवण से कहा कि भाई गाकर सुनाइए जरा, नदीम ने गाया और सुनकर इन्हें महेश भट्ट ने गले से लगा लिया। साथ वहां पूजा भट्ट भी थी, उनसे 10,000 रुपए लिए और इन्हें दिए और कहा कि ये गाना सुपर हिट है और अमर रहेगा। अभी कहते हैं मुझे नहीं मालूम था कि ये सच होने वाला है। मुखड़ा और दो अंतरे ये लिख चुके थे, कुछ दिनों बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ और महेश भट्ट साहब ने गुलशन कुमार साहब से कहा कि मैंने जो कहानी सुनाई थी आपको उसे प्रोडक्शन नंबर 2 कर देते हैं और फिल्म का नाम भी यही दिल है कि मानता नहीं। बस फिल्म शुरू हुई, रिलीज हुई और ये गीत भी। फायस साहब का लिखा हुआ ये गीत हर किसी की जुबान पर था और आज भी दिल को छू जाता है। यकीनन इसकी कॉम्पोजिशन भी नदीम श्रवण की कमाल की रही। दिल है कि मानता नहीं के बाद 1991 में फिल्म साजन का इन्होंने गीत लिखा, पहली बार मिले हैं, जिसे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब ने गाया था। विजय पद का आइए आपका इंतजार था, तुम्हें हम क्या समझते फिल्म नाराज का, फिल्म इम्तिहान के सभी गीत इन्होंने लिखे। फिल्म तुम बिन के एक गीत को छोड़कर
सभी गीत इन्होंने लिखे थे। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। दबंग का तेरे मस्त मस्त दो नैन फायज अनवर साहब ने लिखा। राउडी राठौर के भी कुछ गीत इन्होंने लिखे। एल्बम दीवाना सोनू निगम की, उसके गीत भी इन्होंने लिखे थे। दीवाना तेरा अब सभी गीतों की बात तो यहाँ नहीं हो पाएगी, मगर हाँ ये जरूर कहूंगी कि आपको फायज अनवर साहब का लिखा हुआ कौन सा गीत है जो बहुत पसंद है, कमेंट्स में लिखिएगा।